तो भी अच्छी लगती है ना? प्यारे जी, everything is all right with you? Everything is fine, fantastic. Excuse me. Oh yeah, sorry. हसमुख जी. जी जी. सब कुछ ठीक ठाक है ना? बस आपकी दुआ है. एक मिनट में आई. हसमुख यार, वो अपने दोनों की तरफ बराबर ध्यान दे रही है. लगता है वो हम दोनों से प्यार करती है. इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी. लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? हसमुख, हम दोनों स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, जिंदगी का हर सुख दुख साथ मिलकर बांटा. तू क्या चाहता है कि अपना वो बरसों का साथ एक लड़की के लिए छूट जाए? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी. अरे मगर प्यारे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन क्या? कमी नहीं, तू देगा कुर्बानी. अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी उर्बानी कुछ भी. अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी. अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहे, उधार का पैसा मांग रहे. मुझे मुझे दो दिन के प्यार के लिए परसों की मोहब्बत पर हाथ उठाया तूने. मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. तो फिर आ जा रिंग के अंदर. अरे आ जा, तू बॉक्सर है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ. अरे रिंग क्या हो रहा है? इतने सालों के दोस्ती में आप लोगों के बीच पहली बार झगड़ा क्यों हुआ? या किसकी शादी के बाद चल रही थी? ये मुन्नू की. मैंने कहा मेरा मुन्नू तेरी बेटी से प्यार करता तो हम लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते. बराबर है कि नहीं? तो ये भड़क गया मेरे ऊपर. अरे भड़कूंगा नहीं, इकलौती बेटी है तेरी, इस लड़के से उसकी शादी करा के उसे जीते जी नरक में भेजा है. ओ अंकल जी, आप मेरे भाई की भरी महफिल में इस तरह बेइज्जती मत कीजिए. आपका भी बहुत हो गया अभी. नहीं मुन्नू, ऐसा नहीं कहते. अंकल जी सुनिए सुनिए, अपना फैसला सुनाने से पहले अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो कीजिए. ये मुझे बहुत प्यार करती है. प्यार? और वो भी तुम जैसे बदमाश से? मैं और रितु तुम दोनों से सख्त नफरत करते हैं. अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे देख देख Thank you.
अरे क्या कर रहे हो यार, फिर से हो गया क्या? राय साहब मैं इनके कहने पर यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। डैडी को मैं फूफा बनाता है। घटिया से घटिया आदमी कभी अपने घर में चोरी नहीं करता क्यों डैडी? राय साहब मैं कसम खा के, राय साहब ग्लव्स पहनने से पहले जरा ये सुन लीजिए। क्या अपने ही घर में? हाँ, हमारा बुढ़ो सीधी तरीके से तो हमें पैसा देगा नहीं, और बाप का माल अगर बच्चों के काम नहीं आया तो तिजोरी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा यार। हाँ, और बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग कभी भी कमीनेपन पर उतर सकते हो, इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने पहले ही इसे ढाल बना लिया था। देख 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 राय साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो इनके कहने पर मैंने कसम से। ये आपको कुएं में कूदने के लिए कहेंगे आप कूदेंगे? ताला बुन्नू, भागने के सारे रास्ते बंद है। पागल ने चारों तरफ ताले लगाए? मैंने लगाए ताकि इस बार तुम्हें घर से निकालने से पहले तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। आज तो तुम लोगों ने बदमाशी में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो है। अपने ही घर में चोरी की? सॉरी डैडी। कल डाका डलवाओगे? ना ना। परसों मेरा खून करवाओगे? नहीं नहीं डैडी, आखिर आप हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे हैं। वो कल तक था, आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा। अरे हसबू, काय को मार रहा है मेरे बच्चों को? दादी ने समझाओ। अरे अपने आप को इतना बड़ा बॉक्सर समझता है तो एक एक ग्लव दे दे मेरे पोतों के हाथ में, फिर देख क्या होता है। ग्लव और अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी कर लो। नहीं नहीं दादी, हम आपसे भी कैसे लड़ सकते हैं। कौन है? कौन है? हाँ? प्यारी तू किधर से? खिड़की से? आधी रात को मेरे घर में खिड़की से चोर की तरह आया, चक्कर क्या है? अरे तेरे बेटे ने मेरे लिए जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए मुझे खिड़की से आना पड़ा। मैं अपने घर में भी नहीं जा सकता, वहाँ भी पुलिस का पहरा है। शॉर्टकट में एक बात बोलूँ, तेरे बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया। पर ऐसा क्या कर दिया है मेरे पोतों ने? क्या किया मैं फिर से भूल गया? भुलक्कड़ के वाला, तू मेरे बेटे की बात कर रहा था। गोबर का बना हुआ है, मुझे बेवकूफ बनाया और वो लॉकअप से भाग गया। क्या? और उसकी वजह से मुझे डीसीपी साहब को फोन करना पड़ा। और मुझ पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर फंसा दिया डीसीपी ने। साहब डीसीपी साहब आए? डीसीपी साहब आए। अरे डीसीपी, अरे मर गया मैं, वो तो मर गया। अबे यार इसका, अबे आपको संभाल, मैं उसको संभालता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले मेरे घर में परेड क्यों कर रहे हैं, क्या मुसीबत है? इसलिए कि आपका बेटा लॉकअप से फरार हो गया है। कैसे फरार हो गए? हमारे डिपार्टमेंट के एक बेवकूफ इंस्पेक्टर और आपके दोस्त प्यारे की वजह से, अब वो भी कानून का मुजरिम है, और आपके बेटे के साथ साथ हमें उसकी भी तलाश है। कॉफी सर? नो थैंक यू। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, वो रात को सोया नहीं तो मेरा मुंह खींचता है, आंखों में दर्द होने लगता है सर। कॉफी लीजिएगा। अरे ये गधा फंस जाएगा आज। कौन गधा? गधा किसको बोला? नहीं सर, वो मेरा दोस्त वो बेवकूफ ऐसी हिमाकत करता है कि चलो फंस जाएगा सर। अरे तू क्या करता, तू जाना यहां से, मैं नहीं चाहिए कॉफी सर। खामखा आई डोंट लाइक कॉफी एट ऑल। तो मैं कह रहा था घर में कोई भी नहीं, मैं अकेला हूं सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। सर एक मिनट इधर आएंगे। क्या है? मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे सताने के लिए आए दिन ऐसा नाटक करता रहता है। सर को ऐसा चक्कर चलाए कि पुलिस इसके पीछे से हट जाए, उसके बदले मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रिश्वत नहीं लेता। नहीं लेते? कमाल है, आपका चेहरा देख ऐसा लगा कि शायद आप लेते हैं। सर जाने दीजिए, मत लीजिए सर, मेरा बेटा मासूम है, बेगुनाह है। उसने कहा तो आपका बेटा मासूम है और ना ही बेगुनाह, वो कानून का एक बहुत बड़ा मुजरिम है। उसकी भलाई इसी में है कि वो जल्द से जल्द अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना पछताएगा।
सुनो, तुम दोनों 24 घंटे आज से इस घर की निगरानी रखोगे। आज नहीं तो कल वो इनसे मिलने जरूर आएगा, और जैसे ही वो आए मुझे फौरन खबर कर देना। गुड नाइट, चलो। जय राम जी की भैया। राम जी की भैया कौन गांव के हो? हम हाँ हंडिया। हंडिया दस समोसे, वो भी 5 रुपए का एक समोसा। 5 रुपए का एक नहीं भैया, हम तो 1 रुपए का एक लेके जा रहे हैं। काहे मजाक कर रहे हो? उस ससुराल तो हमका 5 रुपए में एक देखा है। ऐसा आप सकल से ही थोड़े बेवकूफ लगते हो, इसीलिए ससुरे ने ठग लिया, हम तो 1 रुपए में एक लेके जा रहे हैं। अरे भैया आप 2.5 रुपए का एक हमका दे दियो, कैसी रही? बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया, यानी के एक समोसा के पीछे हमको 1.5 रुपए का मुनाफा होना बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ऐसा करो पूरे के पूरे हमको दे दो, और अब आप हिसाब जोड़ो। देखो 1 का हो गया 2.5, हाँ? और 2 का हो गया 5, हाँ? और 3 का हो गया 7.5, हाँ? और 4 का क्या हुआ? अरे हमरे ट्रेन छूट गई रे। सॉरी। अरे कोई रोको रे भाई। सॉरी स्टेशन में ही रह गया। अरे सॉरी लेकिन की छबिया। अरे बेचारे सॉरी। ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी। छोटे भैया काहे को रोत हो? हम तो हर का बंबई पहुंचा दिया। अरे हम बंबई पहुंच कर क्या करेंगे, हमारे पास तो बिरजू का पता भी नहीं है। यहाँ एक बाबा रहते थे, वो बिछड़ों का पता बता देते। कैसी रही बाबा? चिंता मत कर बच्चा, पता मिलेगा सच्चा। बस 10 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद, मिलेंगी तुझे ज्ञान की 10 बूंद। कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे बालों के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है? आवाज मत कर बच्चा, अगर टूट गया ध्यान तो कैसे मिलेगा ज्ञान। कैसी रही? बहुत बढ़िया। आग बंद कर। अच्छा अब तू अपनी आंखें खोल, और कैसी रही ये मुझको बोल। कौन है? छोटे भैया। हंडिया। हंडिया कैसी रही? भाई साहब जरा नहीं किया हवा। ये कैसी रही हाँ? ये कैसी रही हाँ? भैया भैया कहाँ जाते भैया, ये कैसी रही, कैसी रही हाँ? मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बुन्नू। अरे हम कोई बुन्नू फुन्नू मुन्नू नहीं, हमारा नाम गौरी शंकर है। ये घर में जो भी आता है पच्चे बुन्नू कहकर गले लग जाता है। और हाँ हम सुने हैं कि शहर में लोग गले लगकर जेब काट लेते हैं। और बढ़िया, कहीं हमारी आंटी में से पैसा वैसा तो नहीं निकाल लिया? तनिक हाथ दिखाओ। तुमने दादी को चोर बोला? मुझे मालूम है ना, इसे आदत है मजाक करने की। बेटे ये तो बता कि तू अब तक था कहाँ? हंडिया में। हंडिया में क्या पक रहा था कदे? चुप रहे। कभी गधा, कभी बैल, कभी थप्पड़े बापू, जरा हमारे संग तमीज से बात करा। अच्छा जरा मेरा बॉक्सिंग ग्लव लाना तो। अरे मुझे जरा तमीज से बात करनी है। नहीं नहीं खबरदार, जो मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने मारा तो। तेरे बच्चे को जब तक 2-4 हाथ लगाता नहीं उसकी अकल ठिकाने पे आती नहीं। अरे ओ बुढ़ो, पहली बार तो हम तो अपने बाबू जी समझ कर मार खा गए, मगर इस बार जो मारने का बात किया ना तो गौरी शंकर की खोपड़िया हिल हिला गई, तो तुम पिल पिला जाओगे राजा। हम पिल पिला जाएंगे? हाँ। क्या करेगा? हम वो अपना मारेगा मुझको? हाँ। मगर कर दिया हमको। अपने बाप को चाकू मारेगा क्या? अरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हमको कोई सेब खाने दो भाई। हाँ? एक तो सुबह से हम भूखे हैं। हाँ? ऊपर से ये दोनों देवियाँ हमको उठा कर ही आले आई, ऊपर से हमको किसी ने पानी तक नहीं दिया, ऊपर से ये हमको मार रहे हैं इसलिए हमको गुस्सा आएगा वहाँ। अरे वरना हम, अरे हम का अपने बाबूजी जैसे दिखने वाले आदमी के ऊपर कभी हाथ उठा सकते हैं बाबूजी? अरे बुन्नू तू तो बाबूजी